दिल्ली में 7,461 बेड, लगभग 7,500 बेड अभी अवेलेबल हैं दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, केंद्र सरकार के अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में मिला के 7,461 बेड अवेलेबल हैं। लगभग 446 आईसीयू अभी अवेलेबल हैं, 450 के करीब मोटा मोटा मान लेते हैं आईसीयू अवेलेबल है। और सरकार ने आज कुछ अहम निर्णय लिए हैं बेड, कोरोना के बेड बढ़ाने के लिए और आईसीयू बेड्स बढ़ाने के लिए। अभी पिछले हफ्ते हम लोगों ने कोर्ट की इजाजत के बाद लगभग 30-32 अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड्स हमने कोरोना के लिए चिन्हित कर दिए थे। अब ये ऑर्डर आज दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर लागू किया जा रहा है कि दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए जा रहे हैं। इससे हमें उम्मीद है कि लगभग 300 से 400 और बेड्स प्राइवेट अस्पतालों के अंदर उपलब्ध हो जाएंगे। जो नॉर्मल बेड्स हैं, नॉन आईसीयू बेड्स हैं, आईसीयू के अलावा जो दूसरे बेड्स हैं, वो अभी तक 50% बेड्स प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के लिए रिजर्व थे। अब इनको बढ़ा के 60% बेड्स को कोरोना के लिए कुछ दिनों के लिए रिजर्व किया जा रहा है, जब तक ये महामारी पीक चल रही है। उसी तरह से जितनी नॉन क्रिटिकल प्लैंड सर्जरीज हैं, जैसे आपको टॉन्सिल है, मान लीजिए टॉन्सिल का ऑपरेशन कराना है, डॉक्टर ने कल की डेट दे रखी है, लेकिन वो टॉन्सिल का तो ऑपरेशन अगले महीने भी हो सकता है, कोई क्रिटिकल नहीं है। इसी तरह से कई सारी सर्जरीज होती हैं जिनको क्या कहा जाता है, प्लैंड सर्जरीज, क्रिटिकल नहीं होती, 2 महीने बाद हो जाए, महीने बाद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी नॉन क्रिटिकल सर्जरीज, नॉन क्रिटिकल प्लैंड सर्जरीज को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करने के लिए सभी अस्पतालों को कहा जा रहा है। और जैसा मैंने कल कहा था कि आईसीयू बेड्स में दिल्ली सरकार अपने अस्पतालों के अंदर 663 बेड्स की और व्यवस्था, नए बेड्स की व्यवस्था कर रही है, और केंद्र सरकार ने 750 आईसीयू बेड्स देने का आश्वासन दिया है। दोनों मिला के मुझे लगता है 1413 और नए आईसीयू बेड्स, केंद्र सरकार के और दिल्ली सरकार के मिला के 1413 और नए आईसीयू बेड्स इससे उपलब्ध हो जाएंगे। मैं अपने सभी डॉक्टर्स का और कर्मचारियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनको सल्यूट करना चाहता हूँ। उन्होंने जिस तरह से न केवल मेहनत की है, उन्होंने सूझबूझ के साथ जिस तरह से दिल्ली के अंदर कोरोना का मैनेजमेंट किया है, ऐसा मैनेजमेंट दुनिया के बड़े बड़े देशों में और दुनिया के बड़े बड़े शहरों में नहीं देखा गया, जिस तरह से हमारे दिल्ली के डॉक्टर्स ने और कर्मचारियों ने जिस तरह का शानदार मैनेजमेंट किया है। मैं अभी अभी एलजी साहब के पास गया था मिलने के लिए। मैं एलजी साहब को सारी कोरोना की जो दिल्ली की परिस्थिति है उससे उनको अवगत करा के आया। हम दोनों ने माना कि दिल्ली के अंदर जहां जहां दिल्ली में बहुत सारे लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क पहनते नहीं हैं, तो लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपये था, इसको बढ़ा के 2,000 रुपये फाइन किया जा रहा है कि जो जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2,000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। मेरी सबसे अपील है, इस टाइम मैं दिल्ली के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आज मैंने पॉलिटिकल पार्टीज को भी यही कहा, मैंने कहा कि आप अपने सारे कार्यकर्ताओं को सड़क पे उतारिए और उनको मास्क दे के भेजिए कि वो मास्क बांटे, कोई अगर सड़क के ऊपर मिले जिसने मास्क नहीं पहना हुआ, जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं उनसे भी मेरी यही निवेदन है, सबको मास्क बांटे। अगर आपने मास्क पहन लिया आपके कोरोना होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो मेरी सभी संस्थाओं से, धार्मिक संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से, पॉलिटिकल पार्टी से, सबसे निवेदन है कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को मास्क दे के सड़क पे उतारिए कि वो मास्क सबको बांटे, कि सब लोग मास्क जरूर जरूर पहने। अगर आप मास्क पहन लेते हैं तो आप कोरोना से काफी हद तक बच सकते हैं। और अगर आप एक किसी को मास्क पहना देते हैं तो आप ये सोचिएगा कि उसको कोरोना से बचाने का आपको पुण्य हो गया,
एक आदमी को आपने कोरोना होने से बचा लिया, इस बात का आपको पुण्य हो गया, इस बात का आपका सुकून मिल सकता है। नमस्कार।